हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वर्ल्ड ऑफ आशुतोष। सो बहुत दिनों बाद मैं कैमरा उठाया, व्लॉगिंग स्टार्ट करी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम भगवान जी के दर्शन करने। बहुत दिन से मन था कि जयपुर में आया खाटू श्याम, क्योंकि यहाँ से आई थिंक सिर्फ 1 आवर लगता है या फिर 1 आवर 20 या 25 या 40, मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो मैं बहुत दिन से मन था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो आज प्लान बन गया कि चलो चलते हैं। और मैं बिल्कुल सोलो ही जा रहा हूँ, अकेले ऐसा कोई नहीं, मेरे से कोई साथ जा रहा है। चलते हैं और जल्दी से भगवान के दर्शन करके आते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया जयपुर का। जो लोग जयपुर से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग को ये जयपुर का मौसम कैसा लगा। मेरे लिए तो बहुत न्यू, क्योंकि मैं अभी भी जयपुर आया हूँ और मैं देखा, मुझे नहीं पता था कि जयपुर में भी बारिश इतनी होती है कि रोज़ ही बारिश, 15 दिन से रोज़ बारिश हो रही है। बट मज़ा बहुत आ रहा है गाइस, कि बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया है, तो घूमने भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप भी मेरे साथ खाटू श्याम घूमते हैं और आपको भी घुमाऊँगा और मैं भी घूमा। नज़ारा देखते हुए हम पहुंच गए रिंगे जंक्शन, और रिंगे जंक्शन में ऑलरेडी इतनी भीड़ होती होगी, वहां पे लाखों भक्त, हजारों भक्त आते हैं रोज दर्शन करने। और फिर हम लोग प्राइवेट टैक्सी ली, आप पब्लिक टैक्सी भी ले सकते हो, 50-50 रुपये लेता है और डायरेक्ट आपको तुरंत द्वार पहुँचा देता है। ये तुरंत द्वार स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, बोलिए जय खाटू श्याम की। फिर हम लोग यहाँ पे उतरे और फिर पैदल पैदल चले गए अपने होटल की तरफ। और गाइस यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही मज़ा आता है। हमारा होटल का नाम था सावरिया धर्मशाला, जो कि बहुत नियर बाय है मंदिर के, आप लोग भी बुक कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। फिर मैं रूम टू दे, सो गाइस दिस इज अवर रूम, माय रूम। मैंने डीलक्स बुक कर दिया है क्योंकि मिल नहीं रहा था। एक छोटा सा बेड है, ये डबल बेड है, ये टेबल है, दिस इज बालकनी एंड दिस इज मी, जो बहुत ही पसीने से लगता था। गाइस यहाँ तो बहुत ही धूप निकल आई, मैं लाइटिंग तो बहुत डिजर्व किया है। और दिस इज बाथरूम, दिस इज एक और वॉश, दिस इज लाइक पॉटी हाउस एंड दिस इज लाइक बाथरूम एरिया एंड दिस इज बेड। एक छोटू सी विंडो जिसका बाहर का व्यू एंड दिस इज कबर्ड, इसमें ब्लैंकेट दिए गए जो कि हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और आई थिंक दिस इज व्हाट, या दिस इज बालकनी, बालकनी इज गुड, सो दिस इज द व्यू फ्रॉम बालकनी। मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगा। एंड हेयर इज रसोड़ा, बोलते हैं ना टप्पू रसोड़े में क्या था, गोपी रसोड़े में कौन था, वही ये वही रसोड़ा है जिसमें गोपी बहू ने और या फिर राशि ने कुछ कर दिया था। बिल्कुल आ चुका हूँ, रूम वूम तो मिल गया है, अब मैं जल्दी से थोड़ा फ्रेशन अप हूँगा, फिर थोड़ी धूप कम होगी तो हम लोग वहीं दर्शन करने निकलेंगे। हम लोग क्या, मैं निकलूँगा दर्शन करने, तब तक के लिए थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, होटल व्यू गाइस, गाइस ये साबरिया धर्मशाला है, बहुत ही सही है, अगर आपको भी आना तो प्री बुकिंग करा के आइएगा। और सो गाइस ये है साबरिया धर्मशाला, अगर आपको भी आना है इस धर्मशाला में तो अभी प्री बुकिंग होती है, आप प्री बुकिंग करा सकते हो। और ऐसे भी बुकिंग होती है नॉर्मली भी, तो आप वो भी करा सकते हो। तो ऑल ओवर मेरा रिव्यू इस होटल के लिए बहुत सही है, आपको भी आइए और एंजॉय। दिस इज माय फाइनल लुक, मैं रेडी हो गया हूँ दर्शन करने जाने के लिए। कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा मैं कैसे लग रहा हूँ। तो यहाँ का मौसम देखिए, क्या मस्त काले बादल निकल आए, वाइब है यार, वाइब है।
थोड़ी दूर पहुँचे ही थे, भगवान ने सोचा चलो नहला देते हैं आशुतोष को। भगवान ने नहला दिया, जो पानी बरसाया पर हम लोग के पैर भी साफ हो गए, पर बहुत गंदगी भी हो गई, पर दर्शन करने में आनंद ही आ रहा था। यहाँ की गलियाँ वलियाँ इतना जो वाइब थी गई, मज़ा आ गया। फिर हम लोगों ने प्रसाद लिया, मैंने यहाँ पे झंडा लिया और यहाँ का ये चूरमा बहुत ही स्पेशल है, यही भगवान को चढ़ाया जाता है, मेनली लोग यही कहते हैं, तो आप भी यही लेके जाना और मज़ा ही आ जाएगा फिर आपको दर्शन करने में। और ये था, यहाँ से एंट्री होती है, टीका वीका लगाने के बाद मैंने एंट्री करी मस्त, भगवान का जयकारा करते हुए पहुँच गए हम लोग मंदिर के अंदर। किनारे वाली लाइन पे आते हैं जो इंटर करते ही सबसे राइट हैंड साइड में है, तो उसमें आपको कम भीड़ लगेगी, सबसे पहले दर्शन होंगे ऑलमोस्ट, तो आपको जल्दी दर्शन होंगे, तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आएँ तो सबसे राइट हैंड साइड वाली लाइन है, एंजॉय करें। दर्शन में हम लोग को रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि रिकॉर्ड करने को मना होता है, वहाँ पे फोर्स लगी रहती है, तो रिकॉर्ड में नहीं कर पाया, पर मैं थोड़ी झलक दिखा दिया। उसके बाद मैंने ये कड़ी कचौड़ी खाई गई, से कड़ी कचौड़ी इतनी टेस्टी होती है, प्लीज़ आप भी जरूर ट्राई करना। और मैंने कुछ ये राजस्थानी शूज़ ट्राई किए थे, वैसे मैंने लिया कुछ नहीं, पर ये शॉप बहुत अच्छी है, अगर आप लोग जाते हो तो प्लीज़ यहाँ के अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी मम्मी पापा के, मम्मी के लिए पापा के लिए जरूर शॉप करते हुए जाना, ऐसा कलेक्शन बहुत अच्छा था। और ये था हमारे होटल का व्यू, जो नाइट व्यू गाइस, मस्त एक वाइट हाउस लग रहा था, मस्त इतना सुंदर लग रहा था कि मज़ा ही आ गया देख के। रात में इसके नीचे बैठ कर उन्होंने रसोड़े से खाना खाया और चाय वाय पी, तो रसोड़े का भी आनंद ले लिया और राशि गोपी बहू से मिल लिया हमने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ डे टू इन खाटू श्याम और अभी मैं सो के उठा हूँ, बहुत अच्छी नींद आई, थोड़ी ठंडी लग रही थी कि प्लान करने में और फील देते हैं, इट्स टू अनहाइजीनिक, बट नींद बहुत अच्छी है गाइस, कोई थकान नहीं। और अब मैं सुबह का व्यू भी दिखाता हूँ, मैंने सोचा मौका है तो क्यों ना एक और बार दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के, तो भगवान जी के मैं एक बार और दर्शन करने लगे फुल रेडी वेडी होकर। और इस बार मैंने दर्शन किए थे मिडिल वाली लाइन से, क्योंकि मैंने सोचा एक्सपीरियंस लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइन के, तभी मैं आपको बता सकूँगा। और इस बार मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर भी किया है, तो आप लोग भी दर्शन कर लेना और जय खाटू श्याम में खूब सारे नारे लगा देना मेरे साथ, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लेना, अपने मन के ड्रीम्स मांग लेना भगवान से। और फिर हम लोग गए होटल में कुछ खाया पिया और निकल गए अपने घर के लिए, मैं अपने जयपुर घर निकल गया, ये व्यूज़ देखते हुए मैं पहुंच गया जयपुर। ये थी मेरी पूरी ट्रिप खाटू श्याम की गाइस। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वर्ड ऑफ आशुतोष, और मैं खूब अच्छे अच्छे नए वीडियो लाऊंगा, प्लीज़ मुझे खूब सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।